बड़ी खबर धर्मांतरण मामले को लेकर, जिसमें ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। उमर गौतम के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। इस्लामिक दावा सेंटर पर ईडी का छापा पड़ा है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जबरन धर्मांतरण मामले में अलग अलग राज्यों की एटीएस जांच कर रही है। ईडी ने भी अब इस मामले में एक्शन लिया है। उमर गौतम के कई ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। उमर गौतम के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। इस्लामिक दावा सेंटर पर भी ईडी की एक टीम पहुंची हुई है। इसके साथ ही दिल्ली, यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों में ईडी ने एक साथ ये छापेमारी की है। लगातार इस बात की जानकारी थी, इस बात के इनपुट आ रहे थे। हवाला के जरिए उमर गौतम तक पैसे पहुंचाए गए। जबरन धर्मांतरण के इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ और इसी के आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी और अब कई ठिकानों पर उमर गौतम के ईडी ने छापेमारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी का बड़ा एक्शन। जबरन धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने पहले इस पूरे मामले का खुलासा किया था, फिर उसके बाद तीन राज्यों के एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही कई बड़े खुलासे हुए। नोएडा में डेफ सोसाइटी को लेकर कैसे बच्चों का जबरन धर्मांतरण करवाया गया, डेफ सोसाइटी के बच्चों को कैसे टारगेट किया गया, इसके साथ ही कई बड़े खुलासे और हवाला के जरिए बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ, यह तस्वीर भी साफ हो गई। और अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो पैसों का लेन देन की बात हवाला के जरिए सामने आई थी, कई ठिकानों पर उमर गौतम के रेड पड़ी है। इस बात की भी जानकारियां आई हैं कि उमर गौतम को बड़े पैमाने पर पैसे मुहैया करवाए गए ताकि धर्मांतरण के इस खेल को वो आसानी से खेल सके। अब इस्लामिक दावा सेंटर समेत दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कई ठिकानों पर एक साथ ईडी ने एक्शन लिया है, छापे मारा है। छापेमारी की यह कार्रवाई चल रही है ईडी की ओर से। धर्मांतरण गैंग से एटीएस एक एक करके पर्दाफाश कर रही है, कई सारे राज खोल रही है। यूपी एटीएस ने गुजरात के वडोदरा से सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया है, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो यह हुआ कि सलाउद्दीन को ब्रिटेन और अमेरिका से फंड मिलता था, जिसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए होता था। सलाउद्दीन को 4 साल में 10 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग के जरिए मिले। भगौड़े कट्टरपंथी जाकिर नायक और धर्म परिवर्तन गैंग के सरगना मोहम्मद उमर गौतम के बीच का लिंक एक्सपोज हो गया है और इस कनेक्शन का नाम है सलाउद्दीन। धोखे से धर्म परिवर्तन गैंग की जड़ तक जांच कर रही यूपी एटीएस के हाथ जब सलाउद्दीन चढ़ा तो एक एक कर हैरान करने वाले खुलासे होने लगे। इन खुलासों से पता चला है कि सलाउद्दीन लगातार उमर गौतम के संपर्क में था। 2016 से 2021 के दौरान सलाउद्दीन शेख के एनजीओ को लगभग 10 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली। इस फंडिंग में अमेरिका, ब्रिटेन से आया पैसा भी शामिल था और इसी फंडिंग से 30 लाख रुपए सलाउद्दीन ने धर्म परिवर्तन के लिए उमर गौतम को ट्रांसफर किए। अब जांच एजेंसियां जो है वो खंगालने में लगी है कि सलाउद्दीन जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो धर्मांतरण के लिए फंडिंग करते हैं और उमर गौतम और सलाउद्दीन का कनेक्शन क्या है। यूपीएटीएस के सामने सलाउद्दीन ने यह भी कबूला है कि वो लगातार जाकिर नायक के संपर्क में था और इसी खुलासे से उठे सवाल कि क्या जाकिर नायक ही हिंदुस्तान में धोखे से धर्म परिवर्तन का सरगना है, क्या जाकिर नायक ही वो कड़ी है जिसके नाम पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से धर्म परिवर्तन ब्रैकेट की फंडिंग हो रही थी, क्या जाकिर नायक की आड़ में पाकिस्तानी कट्टरपंथी भारत में कट्टरपंथ और धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब यूपीएटीएस तलाश रही है और जब उमर गौतम और सलाउद्दीन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी तो धर्म परिवर्तन गैंग के ये गुर्गे तोते की तरह बोलेंगे और बताएंगे आखिर मजबूर हिंदू या दूसरे धर्म के लोगों को फरेब से इस्लाम में क्यों लाया जा रहा था, क्या था इनका मिशन, क्या थी इनकी प्लानिंग। टीम न्यूज नेशन। तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में ईडी की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। धर्मांतरण मामले में ईडी का ये बड़ा एक्शन। उमर गौतम के ठिकानों पर मौलाना उमर गौतम, जिसने धर्मांतरण के इस पूरे खेल को खेला, उसको विदेश से फंडिंग हुई बड़े पैमाने पर। दिल्ली के जामिया नगर में भी ईडी की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही जो इस्लामिक दावा सेंटर है वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों में छापा।
अनिल यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, ईडी की ये बड़ी कार्रवाई, एक साथ उमर गौतम के कई ठिकानों पर रेड। बिल्कुल, देखिए ये उमर गौतम के गैंग पर लगातार धर्मांतरण का आरोप लगाया, एटीएस उनकी जांच कर रही है, ईडी भी अब इस मामले में एक्टिव हो गई और उमर गौतम के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। दिल्ली में हुई है, हरियाणा में और वेस्ट यूपी के कई इलाकों में छापेमारी हुई है। लोकल पुलिस के साथ ईडी ने छापेमारी करी है, लोकल पुलिस का सपोर्ट लिया है और कई घंटे से ये छापेमारी जारी है। अभी जो सूचना आ रही है पिछले 2 से 2.5 घंटे से छापेमारी चल रही है और ईडी वहां पर सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहां कहां से इनको फंडिंग होती थी और कैसे ये वर्क करता था, क्या उनके बहुत से क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का पता लगाने के लिए ईडी ने छापेमारी करी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली और आसपास हरियाणा और वेस्ट यूपी से सब मिलाकर लगभग 6 जगह पर ये छापेमारी हुई है। ठीक है, कई 6 जगहों पर छापेमारी। और अनिल, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैसे यूपी एटीएस ने इस मामले का खुलासा किया, ये तस्वीर साफ होती गई कि हवाला के जरिए बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ है और विदेशों से फंडिंग हुई उमर गौतम को ताकि वो इस खेल को खेल सके। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया से इनको पैसे मिले हैं, ना सिर्फ दुनिया से, भारत में भी बहुत से लोगों ने इनकी हेल्प करी है, आर्थिक रूप से इनको फंडिंग करी है, आईएसआई से पैसा मिला है, कतर से मिला है, दोहा से मिला है, कुवैत से मिला है, सऊदी अरेबिया से मिला है, दुबई से पैसा है, सिंगापुर, पोलैंड और यहाँ तक कि यूएस से पैसा आया है। और अभी भी इस्लामिक दवा सेंटर या उमर गौतम के खाते में लाखों रुपए अभी भी जमा है, जिसको जिसका पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो पैसे निकाले गए कहाँ कहाँ खर्च किए गए, कहाँ कहाँ से आए, एक लंबा प्रोसेस है और सबकी जांच चल रही है और इसी की कड़ी में ईडी अभी ये छापेमारी कर रही है। ठीक है अनिल, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईडी का बड़ा एक्शन, उमर गौतम के ठिकानों पर, कुल 6 ठिकानों पर एक साथ ईडी की टीम ने छापा मारा है।